सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हमने सोचा हत्यारा भाई के साथ करेंगे रैंक पुशिंग। तो गाइज आप लोगों को पता है मैं रैंक पुश तो करता नहीं हूँ, फिर भी मैं डायमंड तक पहुँच कर छोड़ देता, आप लोगों को पता ही होगा। तो भाई जैसे मैं हत्यारा भाई के ग्रुप में घुसा, वहाँ पर भाई गलत ही सीन हो गया। मतलब वहाँ पर क्या हो गया, हत्यारा भाई भी रैंक पुशिंग कर रहे थे, उसका दोस्त भी पुशिंग कर रहे, तो वहाँ पर मैं घुस गया तो वो लोग मुझे अलग ही गाली देने लगे और कस्टम बनाने के लिए बोला। तो गाइज उसी का क्लिप पहले आप लोग देख लो, तो उसके बाद हम कस्टम शुरू करेंगे, उसी का वीडियो देखना, ठीक है गाइज। तो स्टार्टिंग में देख लो, यहाँ पर तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता ही जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं होता है। एमके बॉस, अरे हत्यारा भाई हम रैंक पुश करेंगे, ये कौन है, ये कौन है, पंकज कौन है, नूब साला। अबे यार नूब, तू मत बोलो यार, ये अच्छा खेलता है यार, इसका आईडी देखना साला चूतिया है भाई, इसको हटाना यार, इस चूतिया को यार हम रैंक पुश करना। अरे नहीं नहीं भाई, अरे भाई मत हटाना यार, ये भी अच्छा खेलता है यार, नूब किसी को भी ऐसे ऐसे भाई भाई रैंक पुश हो जाएगा यार, ऐसे कैसे किसी को नूब बोल दोगे भाई। मतलब भाई नूब को नूब बोलने से भाई प्रो बोलेंगे, चूतिए है। देख भाई नहीं भाई, किसी को नूब नहीं बोलना चाहिए भाई, एक दिन तो हम लोग भी नूब थे ना भाई, नूब थे ना। मतलब देखना भाई उसकी आईडी में कुछ भाई कुछ आई नहीं है, तो कैसे भाई मेरा और क्रेजी बॉय का देखना चाला, तू भी चूतिया एक नंबर का चूतिया भाई, ऐसे कैसे कैसे दोस्त लोग को भाई तू ग्रुप में रखता फ्रेंड लिस्ट में यार। अरे यार रहने दो यार, चलेगा भाई तेरे को भाई, इतना देर में तो कस्टम बना ले एक बार। अरे भाई रुकना, ये क्या बोल रहा है भाई, मैं नहीं हूँ भाई, तू नूब नहीं है भाई, तू पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है, तेरे को क्या पता चल रहा है भाई, तू नूब है, कुछ आई नहीं है, एक लेट पास सिर्फ उसकी, एक लेट पास खरीद, तेरे पास कुछ आई नहीं है। अरे नहीं नहीं यार ऐसे मत बोलो यार, तो छोड़ा भाई, आलोक भी नहीं है चूतिया के पास, देखो ना। अरे यार ऐसा बेइज्जत मत करो भाई, गलत बात यार। एमके पास हटा दे वरना तेरे को मैं फ्रेंड लिस्ट हटा दूंगा, चूतिया ऐसे चूतिया लोग को फ्रेंड लिस्ट में रखा क्यों भाई तू। ओ भाई कुछ भी यार, कुछ भी यार, कुछ भी भाई, रहने दे यार, रहने दे भाई, ये भी अच्छा खेलता है कसम से, जो भी बोलो भाई, एक बार उसके साथ भाई, अरे भाई ये नुबड़े के साथ भाई मैं खेलना नहीं चाहता भाई, इसकी आईडी तो देखो भाई, इसकी आईडी में कुछ आई नहीं है भाई, नुबड़ा है भाई, आईडी पे मत जा भाई यार, एक बार तो गेम खेल के देख इसके साथ भाई, लेवल 50 नहीं कटा है ऐसा बोलो ना, लेवल लेवल। अरे भाई लेवल से क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता लेवल देवल से भाई, भाई इसका लेवल ही 50 नहीं है भाई, इसके साथ कैसे खेले। अरे भाई मेरा देख ले भाई 67 भाई। अरे सुनो सुनो भाई सुनो, ये चूते को हटा, चूते को हटा। तो गाइस यहाँ पर कस्टम बन चुका है और मेरे साथ खेल रहा है हत्यारा भाई और उन लोगों के साथ है बॉन टू किल और एक और बंदा, उसका नाम मुझे पता नहीं है। तो गाइस अगर हमारे चैनल पहली बार आए, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास वाले बेल आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, इससे क्या होगा हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और हमारी वीडियो देख पाओगे। तो गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 2-3 राउंड मतलब नुबड़े की तरह खेलेंगे और हार जाएंगे, और भाई यहाँ पर थोड़ा एक्टिंग करने के चक्कर में हम लोग का वाट ना लग जाए वो भी डर लग रहा है, क्योंकि बॉन टू किल बहुत ही खतरनाक खेलता है, उसका भाई हेडशॉट रेट बहुत ही डेंजर है। तो यहाँ पर उन लोगों ने हत्यारा भाई को मेरे टीम में दे दिया, क्योंकि हत्यारा भाई मेरा सपोर्ट कर रहे हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा था वहाँ पर, तो इसीलिए हत्यारा भाई को मेरे टीम में दे दिया, क्योंकि यार इन दोनों को मतलब इन दोनों को अकेले मारना में मतलब पॉसिबल भी नहीं था मेरे से, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ठीक ठाक खेल रहा था, उतना भी खतरनाक तो खेलता नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट राउंड हम हार चुके हैं क्योंकि जानबूझ के हार रहे हैं, तो यहाँ पर लगातार हम 3 राउंड तक जानबूझ के हारेंगे, उसके बाद वो लोग मारते तो मारे, तो हम भी पूरा कोशिश करेंगे फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर हम हार क्यों रहे, उन लोगों को भरोसा हो जाए कि हम सच में बहुत ही बड़े नूब है, और वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस से आएंगे रश करने के लिए और हम उनको मारेंगे, तो भाई वो एक खतरनाक सीन होने वाला है। तो यहाँ पर फिर से मुझे नॉक कर दिया, हम दोनों को मार दिया, तो यहाँ पर सेकेंड राउंड भी हम हार चुके हैं, तो चलो देखते हैं थर्ड राउंड में क्या, मतलब थर्ड राउंड भी हारना ही है, उसमें क्या होता है वो बात नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड राउंड जो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर मैं कोई गन नहीं लूँगा, क्योंकि भाई जैसे ही कोइन कम होता है तो मैं गन मतलब फोर्थ राउंड से गन स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा, थर्ड राउंड से गन स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मैंने गन नहीं लिया, बस ये नुबड़े की तरह यूएसपी लेकर जा रहा हूँ। और भाई आप लोगों को पता ही मेरा यूएसपी से थोड़ा बहुत हेडशॉट लग जाता है, आज मारने की कोशिश करते, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं।
तो गाइस इस बार तो मेरा हेड लगने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी मैं कस्टम खेलता हूँ मेरा लैग होता है और हेड तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। और भाई जैसे ही मैंने बोला और यहाँ पर मेरा पिंग आप लोग देख सकते हो +99 में चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर हार गया, ये मतलब ये मैच में मैं हार गया और इन लोगों को बोला कि मेरा पिंग हाई था मैं नहीं खेल पा रहा, तो भाई विश्वास करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो गाइस मेरे साथ हमेशा यही प्रॉब्लम होता है, मैं जब भी कस्टम खेलने जाता हूँ तो यहाँ पर लैग ही हो जाता है या नेटवर्क ही उड़ जाता है। तो देखो यहाँ पर मतलब 400 ऐसा पिंग चल रहा है मेरा, भाई कतई इमोट पे इमोट दिखा रहा है वो लोग। तो यहाँ पर थर्ड राउंड से जैसे मैंने बोला था हम गन लेंगे और उसके बाद पूरा तबाही मचाएंगे, तो चलो देखते हम तबाही मचा पाते हैं कि नहीं। चलो यहाँ पर मैंने ले लिया एक स्नाइपर शॉट गन। तो भाई आप लोगों को पता ही होगा मैंने कुछ दिनों से गेम नहीं खेला है और GTA 5 खेल रहा था, तो वहाँ पर मेरा मतलब फ्री फायर में थोड़ा बहुत बिगड़ गया है, गेम प्ले बिगड़ गया है और हुकुंगा भी ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर देख ही सकते हो ग्लूवाल भी ठीक से नहीं लग रहा है, मतलब लैग की वजह से नहीं लगा कि क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन भाई नहीं लग रहा था, ये गलत सीन हो गया मेरे साथ। यहाँ पर मैं मतलब गोल ग्लूवाल लगा के मेडिकेट मार लेता हूँ। तो गैस आप लोगों को पता है मैं GTA खेल रहा था, तो भाई GTA में क्या हो रहा है, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है क्या हो रहा है मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना यार GTA के वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं रेगुलर तो नहीं ला सकता, दो दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन लेकर आ सकता हूँ, तो कमेंट करके बताना आप लोगों को GTA 5 का वीडियो चाहिए तो मैं लेकर आऊँगा, और भाई सिर्फ फ्री फायर का चाहिए तो वो भी बोल देना, मैं तो सिर्फ फ्री फायर का ही लेकर आऊँगा। गैस GTA में थोड़ा बहुत टाइम लगता था इसीलिए मैं मतलब फ्री फायर नहीं खेल पाता था, तो भाई फ्री फायर वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था, तो यही सीन हो गया था। लेकिन भाई अब से फ्री फायर का भी आएगा और आप लोग कमेंट करोगे GTA चाहिए तो मैं GTA का भी लेकर आऊँगा। तो गाइस तो यहाँ पर जो है लगातार हम 5 राउंड हार चुके हैं भाई, कतई गलत सीन हो रहा है, तो लगता है गलत ही पंगा हो गया इन लोगों के साथ, भाई डर भी लग रहा है मार ना डाले। और भाई मेरा स्नाइपर पूरा बिगड़ गया है भाई, पूरी मतलब कितने दिनों से मैंने लगभग 6-7 दिनों से मैंने गेम नहीं खेला है, इसलिए थोड़ा बहुत कंट्रोल नहीं हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि मैंने इससे पहले 1-2 गेम खेल लिया था, तो भाई थोड़ा बहुत हाथ भी बैठ गया है और इसको हेडशॉट मारने की कोशिश की लेकिन लगा नहीं, और भाई स्नाइपर तो पूरा बिगड़ गया है, देखा आप लोगों ने एग्जांपल देख ही लिया, जैसे मैं शॉट मार रहा था बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रहा था, और मेरे साथ स्नाइपर में कभी भी ऐसा सीन नहीं होता था। तो यहाँ पर एक बंदी को मतलब बंदे को मैंने मार दिया और यहाँ पर देखो भाई कितना खतरनाक लैग हुआ, अब मैं क्या करूँ भाई, ये तो हारने वाला सीन हो गया। यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ा बहुत कट कर दिया क्योंकि वहाँ पर बहुत ही गलत लैग हो रहा था और मैं गोल ग्लूवाल लगा के बैठ गया था, मेडिकेट लेने लग गया, और भाई ये राउंड में मार पाऊँगा कि नहीं भाई डर भी लग रहा है। और भाई क्या ही खतरनाक हेड लगा भाई तुक्के से, लेकिन टुक्के से लगा भाई, अगर यहाँ पर इसको हेडशॉट नहीं लगता तो ये मैच हाथ से गया था, तो भाई गलती सीन हो जाता हमारे साथ। तो भाई इससे मतलब ये लोग 5 राउंड जीते हैं, इससे आगे उन लोगों को बढ़ने नहीं देंगे, यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ क्योंकि वो लोग हेडशॉट मार सकते हैं। और अभी स्नाइपर का शॉट किसको लगता है चलो देखते हैं, और भाई लड़की को लग गया स्नाइपर का एक झटका और लड़के ने रस किया, ये लड़का जो ये बंटू किल है कि वो है, नहीं नहीं यही है बंटू किल, ये लड़का जो है ये बंटू किल है और वो लड़की दूसरी है, मतलब इसका नाम मुझे पता नहीं, आप लोग स्टार्टिंग में यही बोल दिया था मैंने, उसका नाम मुझे पता नहीं। और यहाँ पर भाई कतई मैं पीछा ही नहीं छोड़ रहा हूँ, कतई है डैमेज पे डैमेज दिए जा रहा हूँ, पूरा इसका हेल्थ खा लिया मैंने, पूरा डैमेज हो चुका है भाई, मेडिकेट लगाने ही नहीं दूंगा इसको, अगर इसने मेडिकेट लगा लिया तो भाई ये बंदा बहुत ही खतरनाक है, छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पर इस लड़की को पूरा ले लेते हैं भाई, इसको लेने के चक्कर में वो मेडिकेट लगा लेगा, ये तो पूरा कन्फर्म है। और भाई लगता है इसने मेडिकेट लगा लिया या फिर हो सकता है नहीं भी लगाया हो, ये मुझे मारने के चक्कर में निकल गया हो, तो चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ग्लूवाल लगा के बैठ गया बंदा और इसको मारने, भाई क्या ही स्पीड है इसका ग्लूवाल का, मतलब यार डैमेज, लेकिन ये बंदा पूरा डैमेज है, अगर ये डैमेज नहीं होता तो ये मारता हम लोगों को, ये कन्फर्म है। तो चलो यहाँ पर मैंने स्नाइपर निकाल लिया, जैसे ही एक शॉट मेरा स्नाइपर का लग गया तो भाई इधर हत्यारा भाई उसको पूरा ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ये बंदा भागे पे भागे जा रहा है, मेरा लैग भी हो रहा है भाई, ये गलत सीन ना हो जाए हमारे साथ। तो भाई यहाँ पर देख ही पा रहे हो क्या लैग हो रहा है, मतलब यार कुछ भी होता है जब मैं कस्टम स्टार्ट करूँ तो भाई अलग ही लेवल का लैग होने लग जाता है। तो यहाँ पर फिर से डैमेज दिया थोड़ा बहुत और हत्यारा भाई ने पूरा ले लिया, भाई यहाँ पर गलती स्कैम हो गया था हमारे साथ। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पर हमने 2 राउंड तो जीत लिया भाई, लगातार जीतेंगे भाई, हारने का चांस ही नहीं है यहाँ पर, भाई हार गए तो घनघोर बेइज्जती होने वाला है। तो यहाँ पर 2 राउंड तो हम जीत चुके हैं और यहाँ पर मैंने स्नाइपर से मारने की कोशिश की लेकिन बंदा बहुत चालू निकला, भाई ग्लूवाल लगाते हुए आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ग्लूवाल लगाते हुए आगे आ रहा है भाई। ये बंटू किल से मुझे थोड़ा बहुत डर भी लगता है क्योंकि ये बंदा जो है बहुत हरामी है भाई, क्या बताओ यार,
पूरा मुंडी उंडी उड़ा, आप लोग ग्लूवाल का स्पीड देख ही रहे हो, एक गोली मारेगा एक ग्लूवाल लगा लेगा। और ये लड़की को लगा डैमेज 64 का हेडशॉट लगा, बहुत ही बढ़िया वाला हेड। और यहाँ पर ये लड़की इधर आ गई और भाई पीछे से मुझे 1-2 किल ने डैमेज दिया। भाई फटाक से गोल गुलाल लगा के बैठ जाता हूँ, नहीं तो भाई मेरे मतलब दोनों के बीच में मैं चटनी बन जाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने ग्लूवाल लगा के मेडिकेट लगाना स्टार्ट कर दिया और हत्यारा भाई थोड़ी देर बच जाए भाई तो उसके बाद मज़ा आ जाएगा भाई, दोनों मिल के मारेंगे। तो यहाँ पर लड़की किधर गई, साइड से दोनों बंदे उसी साइड में भाई, इधर 1-2 किल इसके अंदर है, लड़की किधर है भाई, लड़की तो दिखाई नहीं दे रही। और 1-2 किल निकला भाई, इसको भी लगता है कुछ ज़्यादा ही डैमेज पड़ गया है, भागने की कोशिश कर रहा है बंदा, और बंदा ख़त्म भाई। ग्लूवाल तो अलग ही लेवल में लगा रहा है, ये मानना पड़ेगा, बंदा बहुत ही खतरनाक खेलता है, इसीलिए इसका इतना ज़्यादा एटीट्यूड था। तो चलो यहाँ पर ये जो है 1-2 किल आ चुका है और मैंने स्नाइपर रेडी कर लिया है और भाई इसको मारूंगा, एक शॉट तो मारूंगा। एक शॉट मारने के बाद क्या होता है, MP40 से थोड़ा बहुत गोली मारो बंदा खत्म। तो भाई ये निकला, इसको दिया पैर में एक गोली, यार बंदा को पूरा डैमेज लग गया। तो भाई ये अभी गोल गुलाल लगा के बैठेगा और हमारा हत्यारा भाई जो है उस लड़की को देख रहा है, मतलब लड़की कैरेक्टर है, बंदा लड़का है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जो है अभी 1-2 किल भाई निकला, किधर क्या भाई मतलब अलग ही लेवल का स्पीड में गुलाल लगा रहा है भाई, इसने मेडिकेट को यूज़ कर लिया है, अभी मार सकता है लेकिन भाई अलग ही लेवल में ग्लूवाल लगाते हुए भाग रहा है। लगता है फिर से इसको डैमेज पड़ गया, क्या पड़ गया पता नहीं, अब मेडिकेट खत्म हो गया था भाई, इसको डैमेज दिया थोड़ा बहुत, अभी मेडिकेट हम लगाने नहीं देंगे भाई, इसको पूरा मतलब जितना दौड़ाना है दौड़ा ले भाई, डैमेज पे डैमेज देंगे भाई। और बंदा खुद ही फंस गया ग्लूवाल में, तो यहाँ पर देख ही सकते हो नॉक हो गया भाई, पूरा डैमेज था बंदा, इसी से पता चलता है। तो वहाँ पर जो है वो लड़की मतलब ये लड़का जो है उधर से देख रहा था, यहाँ पर मैंने मारा उसको 150 का, और भाई मोड़ दिखा रहा है भाई, गलती सीन हो रहा है इसके साथ, और यहाँ पर मेरा ग्लूवाल नहीं लगा भाई, बच गया मैं, अभी मरता है। और यहाँ पर मैंने हुकुम यूज कर लिया है और इसी के साथ इसको भी खत्म, तो भाई चलो ये भी खत्म हो गया। और गाइज यहाँ पर सीन क्या हो गया, आप लोग देख ही पा रहे थे कितना ज़्यादा मेरा लैग हो रहा था, तो यहाँ से मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैंने हत्यारा भाई को बोल दिया भाई वीडियो रिकॉर्ड तुम ही कर लो, तब जाके हम यूट्यूब में डालेंगे। तो वहाँ तक तो हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो गया और ये लास्ट राउंड का मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी विश्वास होना चाहिए कि हम लोग उन लोगों को हरा दिया और यहाँ पर मैं मर गया। आप लोगों को पता नहीं, बता दूँ ये 1-2 किल ने मुझे मार दिया है, तो हत्यारा भाई ने उस लड़के को मारा और यहाँ पर 1-2 किल के साथ अभी फाइट चल रहा है हत्यारा भाई का, अभी मारेगा हत्यारा भाई। तो चलो देखते हैं, हत्यारा भाई मार लेगा तो बहुत ही मस्त सीन हो जाएगा। और भाई आप लोग अभी तो मेरा रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता भाई, दूसरा राउंड हो या कोई भी हो, रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता भाई। ये बंदा ग्लूवाल पे ग्लूवाल लगा रहा है और एक गोली मारा हत्यारा भाई को, हत्यारा भाई ने पूरा ले लिया और इसी के साथ हम लोग जीत चुके हैं। तो गाइस किसी को नूब मत बोलना गाइस, ये गलत बात है, गलत सीन हो सकता है। तो यहाँ पर देखो हम लोग जीत चुके हैं, तो भाई हत्यारा भाई ने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया, यहाँ पर मैं मर ही गया था, हारने का पूरा चांस था। और भाई किए क्या मास्टर, हमारा हत्यारा भाई निकल गया भाई, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बात है। लेकिन भाई यहाँ पर हम दोनों ने 6-6 किल किया है। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।